भी ले लेते हैं सिरानी साहब और आशीष चतुर्मोता जी से। आशीष जी बताएं आपकी आज की शॉर्ट टर्म पिक कौन सी है। तो दीपांशु, हमें जो कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में हमने पिछले बार बात की थी ईपैक ड्यूरेबल्स की, कंपनी काफी अच्छा कर रही है। अब इसी लाइन में जो दूसरा स्टॉक है मैं काफी पसंद है वो है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, जो कि प्लास्टिक मोल्डिंग के बिजनेस में है। प्रोडक्ट में हम देख रहे हैं कि लार्जेस्ट ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर है वॉशिंग मशीन्स के लिए, रूम एसीज के अंदर में इनका थर्ड नंबर की पोजिशन आती है, और अब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबलीज के ऊपर भी ये काम कर रहे हैं, तो ईएमएस इसके स्पेस में भी एंटर हो चुके हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री इस पूरे बिजनेस की, चाहे ईएमएस की बात करें तो ईएमएस का जो स्पेस है इसमें करीब 80,000 करोड़ का एड्रेसेबल मार्केट है, और ये मार्केट करीब करीब 38% से ग्रो होने वाला है। तो इस सेगमेंट में भी इस कंपनी ने एंट्री एंट्री ले चुकी है, और इस साल टीवी के अंदर में, एलईडी टीवी के अंदर में भी ये काम कर रहे हैं। तो हमें लगता है बहुत ही अच्छे ग्रोथ सेक्टर के अंदर में पीएलआई पूरा अच्छा करेगा। टेक्निकली आप देखेंगे तो स्टॉक में एक बहुत बढ़िया बेस 560 के, 560 का अगर से सपोर्ट लेवल स्टॉक होल्ड करता है तो मैं मानता हूं 700-720 रुपए तक की अपसाइड पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। एज अ ऑलराइट, डिस्क्लोजर, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और ईपैक ड्यूरेबल दोनों ही हमारे पोर्टफोलियो इपेक्स में बने हुए हैं। अंडरस्टूड सर। तो चलिए, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट यहां पर खरीदारी की राय है।